हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं अपने गांव के इस हिस्से से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमेशा की तरह ये वो घर है जहाँ पर अभी मैं आया हूँ और चढ़ा हूँ इस पेड़ पर। तो इस पेड़ से मैं आपको ये इतना प्यारा अपने यहाँ का वेदर और सामने की ओर जो फॉरेस्ट है ये आपको दिखा पा रहा हूँ, और साथ ही आपको दिखा पा रहा हूँ अपने यहाँ की ये पहाड़ियाँ और साथ में मेरे ये गांव का हिस्सा जहाँ पर कि अभी मैं बना हुआ हूँ। तो चलो करते हैं आज इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट, और आज देखते हैं क्या चीज़ें आज मैं आपको दिखा पाता हूँ। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने कर दी है, तो फिलहाल आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर मेरे इस ब्लॉग में बने रहें और वीडियो को कोशिश करें कि स्किप ना करें और पूरी इन्फॉर्मेशन लें और पूरी वीडियो को वॉच करें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर हैं नए, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दोस्तों कर लीजिए ऑन, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके और मैं आपको जिम कॉर्बेट से रिलेटिव चीज़ें दिखा पाऊँ। तो अभी बने रहें आप ब्लॉग में। तो ये है सामने लेमन नींबू का पेड़। तो इस नींबू को हम लोग अपने पहाड़ी स्वाद के अनुसार बनाते हैं, जैसे कि इसमें लहसुन और काफ़ी हरी चीज़ें इसमें इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हरा नमक किया जाता है तैयार, और दही और गुड़ में इसे मिलाकर के खाते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मिलाकर जो इसका टेस्ट बनता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि आप उस स्वाद को कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह ये सामने आपको वेदर दिख रहा है ना, इससे कई ज़्यादा ये पहाड़ी नींबू बनाया जाता है। और सामने वेदर में मुझे देखने को मिला, तो ये देखिए सामने बैठा है इस पेड़ पे कौवा, और अकेला ही है। देखिए क्या मस्त ज़िंदगी है इसकी, क्या अच्छी लोकेशन पे है, मन कर रहा है जैसे वेदर है और सामने पहाड़ी है। तो ऐसा काश हमारी लाइफ में भी होता, जहाँ मन वहाँ उड़ कर जाते, जैसे कोई सीमा या कह लीजिए कोई बॉर्डर नहीं, जैसे पंछियों के लिए किसी तरह का कोई पासपोर्ट या किसी तरह की कोई वीज़ा वाली कोई व्यवस्था नहीं होती। तो जहाँ मन वहाँ वो चले जाते हैं। सो काश ऐसा होता तो हम भी जा पाते। मेरा मन तो फुल्ली फ्रीडम लाइफ जीने का करता है ऐसा देखकर। तो सामने अभी मैं निकल चुका हूँ 0 पॉइंट की तरफ को। तो आप देखिए सामने क्या वेदर आ रहा है, और आज आपको मैं लेकर जा रहा हूँ एक 0 पॉइंट है यहाँ पे फेमस, और जगह का नाम है भुतगिड़ी। तो भुतगिड़ी के पास में एक 0 पॉइंट है जहाँ से कि लैंडस्केप इतना खूबसूरत मिलता है बहुत ज़्यादा। तो जब तक आप करिए इस मौसम को एंजॉय, और मैं आपको लेकर चलता हूँ आज एक स्पेशल जगह, जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो आप बने रहें ब्लॉग में और करें फिलहाल इस नेचर को एंजॉय, मैं तो यही कहूँगा। तो अभी हम लोग आप देख पा रहे होंगे ये है धनगढ़ी, धनगढ़ी पे पहुंच रहे हैं। तो इसके बाद सामने आपको दिखाऊंगा मैं धनगढ़ी का नाला। तो धनगढ़ी के नाले से भी इतना प्यारा व्यू आता है ना दोस्तों, क्या ही कहूँ मैं आपको, इतना खूबसूरत होता है। जैसे कि आजकल ग्रासलैंड में जितना भी लिवास था, तो लिवास के सभी पेड़ों पर आ चुका है फूल। तो सामने आप देखिए अभी मैं धनगढ़ी पर पहुँच चुका हूँ, और आपको दिखाता हूँ सामने जो कि धनगढ़ी के पास बना हुआ है ग्रासलैंड लिवास का, उसमें किस तरह से अभी हो रहे हैं फूल। तो आप बने रहें ब्लॉक में। तो यह है सामने धनगढ़ी का नाला, और सामने की ओर आपको मैं अपने राइट हैंड की तरफ को दिखाऊं, तो ये सामने ये सारे लिवास के पेड़, और जो आपको ये वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, इस सभी पेड़ों पे लगा है ये फूल जो लिवास का है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं 0 पॉइंट के पास ही। तो सामने यहाँ पे देखा तो ये देखिए स्पॉटेड डियर
भागता हुआ नजर आया और यहाँ पे एक नहीं कई सारे हैं। तो इस जगह पर थोड़ी रुके और थोड़ी वॉच करने की कोशिश की, बट ये हमारी नजरों से ओझल होने लगे क्योंकि ये फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे थे। तो अभी चलो चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाता हूँ आगे जैसा कि 0 पॉइंट। तो आप बने रहे ब्लॉक में और देखें आज मेरे यहाँ से 0 पॉइंट भुतगढ़ी पुल से। तो सामने की ओर अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं 0 पॉइंट पर। जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे अभी पेड़ दिखाई दे रहे थे और आगे खाली हो चुका है, इस किनारे से सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है और कोई पेड़ नहीं। तो ये देख लीजिए, ये एक ऊंची जगह पर है और नीचे काफ़ी ज़्यादा खाई वाली जगह है। तो इस जगह से ये 0 पॉइंट देखने को मिलता है। तो सामने बेहद सुंदर नज़ारा आता है यहाँ का। तो दोस्तों आज आया हूँ मैं भुतगढ़ी पुल के पास, इस 0 पॉइंट पे। आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी लोकेशन है जो कि बेहद खूबसूरत है और बहुत ही अमेजिंग है। तो आप सीधे देखिए, मैं आपको डिले नहीं करूँगा, सीधे ही दिखा देता हूँ। तो सामने ये देखिए कोसी का ये किनारा और सामने अभी हम लोग हैं इस पहाड़ी पे को, पहाड़ी कह लीजिए इसे अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये देखिए खाई वाली जगह है और यहाँ से ये रिवर का पूरा किनारा और सामने ये है यहाँ की सड़क जहाँ पर कि अभी हम लोग हैं। और आपको दिखाऊँ सामने ये वन विभाग द्वारा एक नोटिस लगाया गया है, वनों को हम बचाएंगे जीवन में खुशियाँ लाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक संदेश है कि पेड़ों को बचाओ जिससे कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके और जीवन सेफ हो सके। तो सामने आपको दिखाऊं, इधर से ये है मोहान वाला पोर्शन, सामने ये कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, ये घर नहीं ये होटल के रूम है। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं तो उनके रूम हैं और ये सारे रिवर टच हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ये नज़ारा होता है। तो इस जगह पर काफ़ी सारे लोग अक्सर आते हैं और इस जगह को वॉच करते हैं क्योंकि इसे 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और ये अच्छी खासी हाइट है और अच्छा खासा यहाँ से लोकेशन बन जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी आप फोटो सेशन भी कर सकते हैं। बट आपको बता दूँ इस जगह पे एक खतरा है, खतरा कुछ इस तरह से है कि जिम कॉर्बेट में वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा होने के कारण सामने जैसा कि ये बोट लगा है, तो इस जगह से अक्सर कई बार देखा गया है कि यहाँ से जंगली हाथी आता है। तो जंगली हाथी आता है और सामने की तरफ जहाँ पे कि ये गाड़ी खड़ी है इससे थोड़ी ही आगे इस जगह से जंगली हाथी क्रॉस करके नीचे कोसी रिवर की तरफ को मूव करता है। तो बस इस जगह पे थोड़ी हाथी का खतरा है क्योंकि हाथी यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे आपको भागने के कोई चांस नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ पूरी खाई है और सामने को अगर हाथी है तो सड़क ब्लॉक कर ही देगा। आपको एकदम यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है जिससे कि आप खुद को सेव कर पाए। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुका हूं घर की तरफ और शाम के समय देखिए कितना खूबसूरत बना है ये वातावरण मेरे यहां से, तो बेहद ही सुहाना है। और जैसा कि आज आपको मैं लेकर गया था 0 पॉइंट की तरफ, तो एक काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है वो, बट हाँ वहाँ पे थोड़ी रिस्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर जंगली हाथी अक्सर आता हुआ देखने को मिलता है, अक्सर जंगली हाथी उस जगह पर आ जाता है जो कई बार लोगों को देखने को मिलता है और पूरी तरह से सड़क को कर देता है ब्लॉक। तो यही थी कुछ आज बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।